उत्तर पूर्वी दिल्ली की पोर्स कॉलोनी कही जाने वाला यमुना विहार C9 स्थित पुलिस की नाक के नीचे से कुछ अज्ञात बदमाश कुछ महीने ही पहले ली गई मारुति ब्रेजा कार को मिनटों में उड़ा ले गए। चोरी की वारदात घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस कर रही है मामले की जांच। हाई सिक्योरिटी से लैस लग्जरी कही जाने वाली मारुति ब्रेजा कार को चोर महज 5 मिनट में ले उड़े। मामला है दिल्ली के थाना बजनपुरा इलाके के यमुना विहार का, जहां पर पंकज शर्मा जो कि एक स्कूल संचालक है, उन्होंने देर रात अपनी मारुति ब्रेजा कार को अपने घर C9/2 यमुना विहार के बाहर खड़ा किया था। रात तकरीबन 2 बजे के आसपास कुछ अज्ञात बदमाश एक ब्रेजा कार में सवार होकर आए थे और C9/2 यमुना विहार के बाहर खड़ी ब्रेजा हाई सिक्योरिटी से लैस लग्जरी कार को महज 5 मिनट में ले उड़े। यह चोरी का सारा नज़ारा बाहर लगे CCTV में कैद हो गया। ये 27 तारीख को ब्रेजा थी बेटारा डीजल, और 27 तारीख को 2:25 पे ये लोग आए हैं और 2:30 पे 30 मिनट 15 सेकंड पे यानी कि 5 मिनट में गाड़ी की चाबी भी लगा ली और चुरा के गाड़ी को ले गए हैं। और डेली की यमुना विहार में तकरीबन 4-5 गाड़ी पर डे चोरी होती हैं और कम से कम 15-20 लाख रुपए का पर डे का यमुना विहार के अंदर नुकसान है। कहीं बैटरी चोरी होती हैं, कहीं गाड़ियों के शीशे चोरी होते हैं, कहीं टायर चोरी होते हैं, और आज भी मेरे ख्याल से 4-5 गाड़ियां चोरी हुई हैं और हाईटेक गाड़ियां हैं ये। तब भी पता नहीं किस तरीके से इनके लोग तोड़ते हैं या क्या करते हैं, इनका कोड मैच करते हैं कंप्यूटर से क्या करते हैं, 5 से 3 मिनट के अंदर गाड़ी ले जाते हैं। ये 2 आदमी दिखाई दे रहे हैं, आदमी तो हो सकता है 3-4 रहे होंगे, और ये ब्रेजा में ही आए हैं, ब्रेजा को ही लेके गए हैं, और जिस ब्रेजा को मैं आए हैं उसकी में नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी। जो CCTV में आ रहा है उस ब्रेजा में नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है जिससे मैं ये लोग आए थे। हाँ, पुलिस की नाक के नीचे से तो नहीं, शाम के टाइम पिकट जरूर लगती है। उसके बाद यहाँ भगत सिंह पार्क है और बराबर में भी चौकी वाला पार्क बोला जाता है जिसको, जिसमें ली डायमंड है, इसमें सब असामाजिक तत्व बैठते हैं रात को। इस पार्क में ही भगत सिंह पार्क में भी और इसमें MTNL पार्क में भी कोई यहाँ पिकट नहीं होती रात के टाइम में, कोई यहाँ ध्यान नहीं देता। यहाँ आए दिन स्नैचिंग तो डेली की बात है, और आए दिन बैटरी और ये सब चोरी होना तो छोटी सी बात है। मेरी 3-3 गाड़ियाँ चोरी हुई हैं यहाँ पे, 7-7 बैटरियाँ चोरी हुई हैं, मेरी बाइक भी अभी बजरपुरा थाने में है। आज तक कोई थाना वाला मुझे बोलने नहीं आया कि आपकी गाड़ी पकड़ी गई है, तो ऐसे चोर यहाँ घूमते क्यों हैं? रात को 9:30 बजे में उसे मिलने के लिए आया, मिलने के बाद में 1 घंटे बाद जब वापस गया अपनी गाड़ी में सलाम मारा तो मेरी गाड़ी में बैटरी नहीं थी। 2 बार हो चुका है, अब क्या किया जाए? C10 जमुना विहार के अंदर हम लोग रहते हैं, हाउस नंबर मेरा है 303। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, जब भी किसी की वाहन खड़ा हो जाए, कोई किसी से मिलने आ जाए, तो सिर्फ ओनली फिर बैटरी गायब होती है। पंकज शर्मा के मुताबिक इनके घर के बाहर ही थाना बजनपुरा पुलिस की एक पिकेट भी लगती है। इसके बावजूद भी बेखौफ बदमाश इनकी लग्जरी कार को चंद मिनटों में ले उड़े। इस चोरी की घटना के बाद से पंकज शर्मा का कहना है कि ये चोरी की वारदात उनके साथ कोई पहली बार नहीं हुई, इससे पहले भी कई बार उनके यहाँ चोरी हो चुकी है। इसके बावजूद आज तक थाना बजनपुरा पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यही वजह है कि आज एक बार फिर उनको चोरों ने अपना शिकार बनाया है। फिलहाल पंकज शर्मा ने कार चोरी होने की सूचना दे दी है और मामले को दर्ज करने का इंतजार कर रहे हैं। संदीप कुमार के साथ प्रिया शर्मा, तेज निगाहें, दिल्ली।